छत्तीसगढ़ के राजनीति में हमेशा से खैरागढ़ के प्रभाव देखे जा सकते हैं। कांग्रेसी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मन बताई कि जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा सत्ता पक्ष के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य मन के अनदेखी और उपेक्षा करी जावत थी। जनपद अध्यक्ष द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ला पत्र लिख के आरोप लगाए गए हैं कि सीईओ कोनो काम ला कांग्रेसी जनपद सदस्य मन के बात के अनुसार नहीं करे, हर काम ला अपन मर्जी लेकर थे। ये जम्मो मामला ल लेके जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेसी जनपद अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जम्मो सदस्य मन नाराबाजी करत हुए जनपद पंचायत में ताला जड़ दी, जेकर बाद एसडीएम के समझाइस के बाद ताला ल खुलवाई गई। जनपद पंचायत में ताला इसलिए लगाए हैं कि जनपद सीओ द्वारा लगातार हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्यों एवं संगठनों पर एक भी बात कहीं बांधने के लिए वो तैयार नहीं है, न जनहित के मुद्दे में जनहित के कार्यों में उनका हमेशा निष्क्रिय व्यवहार रहा है। हमारी कांग्रेस की वो अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है और ऐसी स्थिति में हम सब ने कई बार, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर एसडीएम से और सीओ साहब से भी मौखिक चर्चा करके ये कहा कि इनकी बातों को आप महत्व दीजिए और जनपद के अध्यक्षों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी सदस्यों का सम्मान किया जाए, लेकिन लगातार हमको शिकायत मिलती रहती है, लगातार मिलती रही है कि हमारी कोई काम होती नहीं है। अभी कल का जो मीटिंग होना था सामान्य सभा का, उसमें जानकारी हम लोगों को दी गई थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए बोला गया था। मैं भी अनुमति दिया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय का अनुशंसा न लगने के कारण से इसे कैंसिल करने के लिए बाबू को बोला था। लेकिन कल का मीटिंग जो है मतलब हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में रह करके अध्यक्ष के जो मीटिंग ली गई है,